चुनाव से पहले एक बार फिर कवायद चल रही है कि बीजेपी राम मंदिर को लेकर अध्यादेश ला रही है। देखिए, मैंने तो नहीं सुना है और मैं नहीं समझता हूँ अभी कोई भी वर्ग या कोई भी पार्टी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जब मामला लंबित है तो उनसे सुप्रीम कोर्ट से अब एक और चुनाव या एक और चैलेंज या एक और लड़ाई करना चाहेगी। मैं नहीं समझता हूँ ये कहीं के भी ये अकलमंदी नहीं होगी। नहीं, अकलमंदी नहीं होगी। पहली बात तो आपकी चुनाव पर जब मैं कह दूँ तो जो शिकस्त हुई है इतनी बुरी तरह से, ये राइटिंग ऑन द वॉल बहुत पहले से दिखाई पड़ रहा था। जो मैं बार बार कह रहा था कि राइटिंग ऑन द वॉल है और ये समझने की आवश्यकता है, लेकिन हम अपने अहंकार में या यूँ कहें वन मैन शो एंड टू मैन आर्मी के ज़बरदस्त ईगो में हम इस बात को नज़रअंदाज करते गए तो परिणाम सामने आ गया, क्योंकि परिणाम का आना ही था। ये वेल एक्सपेक्टेड एंड वेल अवेटेड रिजल्ट था जिसकी हमें बहुत खुशी नहीं है, क्योंकि पार्टी तो अभी भी हमारी ही है और हमारे ही लोग इसमें शामिल थे। भले हमें दरकिनार करते हुए या बड़े बड़े आडवाणी जी से लेके मुरली मनोहर जोशी से लेके यशवंत सिन्हा से लेके अरुण शौरी जैसे महारथियों को, बड़े बड़े विद्वानों को अलग थलग करके आगे बढ़ने की कोशिश की, तो हमें लगता है कहीं तो उसका खामैया भुगतना ही पड़ेगा, और भुगतना पड़ता और भुगतना पड़ा, ये अभी आपने देखा। तो ये जो है अब इससे हमारी शाख बहुत कमज़ोर हुई। सर, नतीजे आए हैं, सबसे पहले उस पर रिएक्शन क्या है आपका? देखिए, उस पर रिएक्शन तो मैं दे चुका हूँ और बहुत खुशी के साथ नहीं बल्कि बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहूँगा कि ये जो हम लोगों का रिजल्ट आया है तीन के तीन प्रदेश में, जिस तरह से हम चारों खाने चित हुए और हमारी पार्टी और हमारी सरकार के लिए तो पांच प्रदेश में चुनाव हुए, पांच के पांच प्रदेशों में 5-0 यानी 0 रिजल्ट आया पांच प्रदेशों में, और भारतीय जनता पार्टी की इतनी बुरी तरह शिकस्त हुई तीन प्रदेशों में, इसलिए मैंने कहा ये खुशी का विषय तो नहीं है, गहन चिंता का विषय है, दुख का विषय है। और साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगा कि मैं आज से नहीं, और भी बहुत सारे लोग कह रहे थे, विद्वान भी कह रहे थे, मैं भी कह रहा था कि जिस तरह से नोटबंदी हुई और जिस तरह से नोटबंदी का असर, जिससे पूरा समाज त्रस्त हुआ, ग्रस्त हुआ, पस्त हुआ, इतनी बुरी हालत और उस पर गलत प्रचार करके कि साहब बड़े लोगों का, अमीर लोगों का, इससे बहुत हम इनको परेशान करेंगे और गरीबों को कुछ नहीं होता, गरीब लाइन पर लगे, अमीर लोग लाइन में नहीं लगे, गरीब लोग लाइन में लगे, और हम इस बात को दबाते गए। हमारे लोग यूपी में हर जगह, नहीं साहब नोटबंदी तो पास हो गई है, नोटबंदी बुरी तरह फेल हुई, लोग इंतज़ार में थे, GST से सारे सपने चकनाचूर हो गए लोगों के, कपड़े व्यापारी गुजरात से लेके हर तरफ जो GST की वजह से परेशानियां हुई, किसान इतने दुखी हुए, आज कोई वर्ग हमसे खुश नहीं था, ना किसान खुश थे, ना दलित परिवार हमारा खुश रहा, ना हमारे वो SC ST, ना हमारे ये नौजवान, रोज़गार की बात हुई, वादे।